अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हिंदी से उर्दू सीखो में पार्ट थ्री देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त अहबाब, आपके फैमिली मेम्बर, जो भी रिश्तेदार सीखना चाहते हैं उर्दू, वो आसानी उर्दू सीख सकें। तो आइए, आज पार्ट थ्री में हम कुछ ऐसे शब्द हिंदी के जानेंगे जिसे उर्दू में कैसे लिखते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। जैसे ये है भ, ठीक है, तो भा को कैसे लिखते हैं। मैं इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये दो चश्मी है, तो ये दो चश्मी है का इस्तेमाल करके ये सारे हिंदी के वर्ड्स जो हैं, हिंदी के जो ये शब्द हैं, वो उर्दू में इनके लफ्ज़ बनाए जाते हैं। जैसे ये है भ, तो ये बे है मिला के भा बन जाता है, ठीक है, भ। जिस तरह से है ये फ, तो पे और हे मिलाएंगे, दो चश्मी है तो बन जाएगा फ। जैसे भा से लिखना है ना, भा से और फा से कुछ लिखना है शब्द, जैसे फल आता है उर्दू में, तो उसको ऐसे लिखते हैं फ ल फल। जैसे भालू लिखना हो तो बे अलिफ जो भा भे है जो भा ला म पे स्लू भालू, और ये पे और हे मिला के फ बनता है, तो फ और ये ला मिलाएंगे तो हो जाएगा फल। जैसी तरह थ है, थ तो ये ते में हे मिलाने से बनता है थ। जैसे अगर लिखना हो रथ, तो रे ते रथ, ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा। यह है झ, ठीक है, झ जीम से और हे मिला के बनता है झ, ठीक है। जैसे लिखना हो झरना, तो जीम हे रे झर नून अलिफ ना झरना। जैसे लिखना है छ, तो लिखेंगे चे और हे बन गए छ, ठीक है। जैसे छाल लिखते हैं, कोई भी पेड़ की छाल होती है, तो चे हे अलिफ छ और लाम हो गया छाल। जैसे यह है ध, ठीक है, द में हाँ मिलाएंगे तो बनता है ध। जैसे धाल, धाल लिखते हैं ना धास वैसे, ठीक है। और ये हो गया घ, तो काफ में हाँ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा घ, काफ और गाफ में है मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा घ, काफ ये गाफ है, गाफ में ये मिलाएंगे बन जाएगा घ। जैसे घर लिखना हो घर, ये धा से ढोल भी लिख, धा से धान भी लिख सकते हैं, ठीक है, धान, धान होता है ना चावल जिसमें होता है उसको धान बोलते हैं, ठीक है। घ से घर, खा ये क्या बन जाएगा ख, तो काफ है बन जाएगा खा, है ना। जैसे खाना लिखते हैं, तो खा ना, ये है ठ, तो ये है टे और हे बन गया ठा ठा। जैसे ठहरना लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ठहर ना, ठीक है। जैसे ये है ढा, तो रे और हा ढा, जैसे बोलते हैं अढ़ाई, अढ़ाई बोलते हैं ना, तो अढ़ाई, ये है ढ, ठीक है, ये है ढ, तो डाल और हे क्या बन जाएगा ल, ढ, ठीक है। तो ये ढा, जैसे ढा, ये ढा बन गया, जैसे ढाका लिखना है, तो ढाका इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये ढा और ये हो गया ढ, तो ढाका इस तरह से लिखेंगे। डल और हा मिला के ढा बन जाएगा, और ये ढाका इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से इसमें लफ्ज बनते हैं। तो पार्ट थ्री में आज इतना ही, उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे इसे अच्छे से, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से इसकी मशक कीजिए, ताकि आपको उर्दू आसानी से आ जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।